Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday, I have come with a good story for you. तो हर बार की तरह आज भी इस संडे भी हम आपके लिए एक बेहतरीन, एक बहुत ही छोटी और बहुत ही संदेशप्रद कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं, आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसा है मित्र कि एक जो है बहुत बड़ा बगीचा होता है और बगीचा में आप जानते हैं कि चूंकि वो आम का बगीचा है और उस पर जो है बंदरों का धावा हमेशा, मतलब बंदर जो है धावा बोलते रहते हैं और हमेशा वहाँ का जो बगीचा के रखवाली करने वाले हैं वह हमेशा जो है उस बंदरों को भगाते रहता है। इस क्रम में क्या होता है कि बंदरों को हमेशा कभी जो है ढेला से मार देता है, कभी किसी और से पत्थर उठा के मार देता है, तो इस तरह की चीज़ों का शिकार जो है बंदरों को होना पड़ता है। और यह चूँकि हर आम के मौसम में, अमरूद के मौसम में जो बागवानी, जो जिसका बगीचा है वह जो जिसको देखने के लिए रखा गया, उसके हमेशा के मार से बंदर त्रस्त हो गया। बंदरों ने डिसीजन लिया, काम इस तरह नहीं चलेगा, कुछ तो करना ही होगा। इसके पास आम का बगीचा है इसलिए जो है हम लोग आते हैं तो हम लोगों को पत्थर से मारता है या और भी तकलीफ देता है, जो भी चीज़ें हैं। तो बंदर के सरदार ने एक मीटिंग बुलाई और उस सरदार ने कहा कि आज जो है हम लोग खुद अपना एक बगीचा लगाते हैं। अगर हमारे पास बगीचा होगी, हमारे पास आम होगा, तो फिर हमको जो है दूसरे के बगीचे में जा करके इस तरह से जो है पत्थर खाने वाला नौबत नहीं आएगा और हम जो है सब मिल करके अपना अपना एक एक बगीचा, मतलब अपना अपना बगीचा में एक एक पेड़ रख लेंगे। जितना बंदर है वह हर एक बंदर हर एक पेड़ का स्वामी होगा, सबके पास अपना अपना पेड़ होगा। बात तो बहुत अच्छी थी, विचार भी बहुत उत्तम था। देखते ही देखते जो है बंदरों का समूह एकत्रित हो गया, मीटिंग हो गई और मीटिंग में जो है सरदार बंदर था, उसने कहा कि सब आदमी जो है जितना भी बंदर है सब एक एक गुठली लाओ और उसको जो है हम लोग ज़मीन में गाड़ते हैं, उसके बाद उससे पेड़ उगेगा और उससे हम लोग जो है आम खाएंगे, कहीं भटकेंगे नहीं। सब बंदरों ने हाँ हाँ हामी भर दी, सब ने गुठली लाया, एकदम एक तरह से कहिए प्रसन्नता से सराबोर हो गया, एकदम प्रसन्नता की लहर चल पड़ी। और जो है वहाँ का माली यह सब देख रहा था कि ये बंदर जो है अपने से पेड़ लगाने के प्रयास में जुटा हुआ है। तो जितने बंदर थे सब ने एक एक गुठली लिया और जो है एक एक क्रम से ज़मीन पर वह लगाना शुरू कर दिया। अच्छे से जो है गुठली जैसे जिस तरीके से लगाई जाती है उन्होंने अच्छे से लगा दिया, मेहनत भी की, उसके ऊपर पानी भी दिया और सब वहाँ से हट गए। अब इंतज़ार करना था कि पेड़ आएगा। 2-4-5 घंटा हुआ, सुबह से लगभग शाम हुआ और बंदर अधीर हो गए। बंदर तो खैर बंदर है, उसको लगा कि क्यों ना अब देखें कि इसमें पेड़ आया है कि नहीं आया है। सब पुनः गए जहाँ जहाँ पर सबने पेड़ लगाई थी, जहाँ जहाँ पर सबने गुठली डाला था, मिट्टी को कुरेदा हटाया और सब गुठली उससे निकाल लिया और गुठली निकाल के वह उससे देखना चाह रहा है कि इसमें पेड़ आया कि नहीं आया। इस क्रम में क्या हुआ, वह जितना भी गुठली लगा हुआ था वह सब का सब उखड़ गया और एक भी पेड़ नहीं रहा। दूर से जो उस बगल में जो जंगल था, जहाँ बगीचा था, उसका मालिक जो है दूर से यह सब देख रहा था। उसके मालिक ने अपने सहकर्मियों को बुलाया और बोला, देखो यही है बंदर, सुबह कितने मेहनत से इन लोगों ने सबने लगाया, अच्छे से गुठली लगाया, हम लोगों को लगा कि अब बंदर भी अपना बगीचा लगाएगा। लेकिन अगले ही पल, अगले ही पहर में वो क्या हुआ, 2-3 घंटे के बाद वह जो है सारा बंदर अपना अपना वो गुठली निकाल लिया और वह उस गुठली को निकाल के उसको फाड़ करके देख रहा है कि आखिर इसमें मतलब कि आया है कि नहीं, इसमें जो है पौधा आम का आया है कि नहीं। तो बताइए मित्र, अब 2 घंटा में तो किसी भी गुठली में पौधा नहीं आ सकता। तो माली ने कहा कि इस जो है इस कहानी के साथ माली ने यह बताना चाहा, उसके साथ यह एक मैसेज जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि कर्मों का इच्छा अनुसार फल पाने के लिए, है ना, कर्म का इच्छा अनुसार फल पाने के लिए आदमी को मेहनत के साथ साथ एक चीज़ की और ज़रूरत होती है जिसको धैर्य बोलते हैं, पेशेंस बोलते हैं। अर्थात कि अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और धैर्य नहीं है तो वह भी आपके कर्मों के अनुसार जो है कर्म के अनुसार इच्छित फल नहीं देगा। लेकिन अगर मेहनत के साथ साथ आप धैर्य के साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो वह एक ना एक दिन जरूर देगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। हर कर्मों का पाक बनता है, कर्मों का फल बनता है और उसके बाद वह आदमी को मिलता है और वह इच्छित वरदान के रूप में आदमी अपने अपने जीवन में उसको पाता है और उसको लोग कहते हैं कि वो सक्सेस हुआ, वो सफल हुआ। तो कहानी का मैसेज था कि कर्मों का अगर फल पाना है तो मेहनत तो करनी ही होगी और मेहनत के साथ साथ धैर्य का परिचय भी देना होगा, धैर्य से जीवन यापन
करनी होगी। हर विकास के लिए जो भी आप देख रहे हैं आज, मान लीजिए जिस फील्ड में भी देखिए, वह एक दिन में नहीं हो गया है, उसके पीछे बरसों की मेहनत लगी है और साथ ही साथ बरसों का धैर्य भी लगा है। एक पहाड़ जैसे धैर्य की आवश्यकता होती है एक बड़ी सफलता के लिए, वह तुरंत एक दिन या दो दिन की घटित घटना नहीं होती, वह उसके लिए लोग कितने वर्षों से सोचे होते हैं, कितना कितना समय संपदा उसके ऊपर खर्च करते हैं और उसके बाद उस चीज़ को पाते हैं। तो हर विकास के लिए एक समय विशेष की अनिवार्यता होती है, वह एक डिफाइन होता है एक समय से कि वह उतना पेशेंस उतना समय आपको उसमें लगेगा ही, और आप कितना भी चाह लें उसके पहले तो वो नहीं होगा। वह है ना, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। अब ऋतु के पहले जो है आप चाहेंगे तो वो नहीं हो सकेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे ही सब कुछ होता है और ऋतु आने के बाद ही फल होता है। अगर आप पौधे में बहुत ज़्यादा फल भी डाल दें तो उससे क्या होगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी अगर डाल भी दें तो उससे फल नहीं आएगा, वो समय के अनुकूल ही आएगा। अर्थात कुल मिलाकर के एक धैर्य का तो आपको परीक्षा, मतलब धैर्य की जो है आप एग्जामिनेशन में आपको पास ही होना होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। एक विद्यार्थी लगन से मेहनत करता है साल दो साल तीन साल, फिर एग्ज़ाम होता है और उसके बाद रिजल्ट होती है। तो एक लंबा, एक किसान देखिए वह कितने जतन से खेती करता है, लगाता है और वह मन से उतने दिन तक धैर्य के साथ उसका इंतजार करता है, उसके बाद फसल पकती है और फिर वो काट करके घर लाता है। तो हर चीज़ के साथ ऐसा है। तो कहानी का मैसेज सिंपल था, मेहनत के साथ साथ धैर्य का भी इंतजार कीजिए, फिर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर इसी तरह हम अगले दिन आएंगे आपके लिए अच्छी कहानी लेकर के। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए, क्योंकि आए संडे को आए दिन जो है हम इस तरह की कहानी लेकर आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।